हम बात कर रहे थे बाड़मेर के भाई कान सिंह की। कान सिंह जी की मैं बात कर रहा था। स्वामी जी महाराज ये 2005 तक दर दर भटकते थे। इनको मतलब बाड़मेर ये जो बॉर्डर का जिला है राजस्थान राज्य का, इनको नागरिकता भी नहीं मिली थी। 2005 में नागरिकता मिली, तब कहाँ ये स्थिर हुए। लेकिन थोड़ा वो छोटा मोटा काम करते थे। जब ये पशुहार हमारा शुरुआत हुआ और मुझे पालमपुर में मेरी मुलाकात हुई, मुझे विश्वास भी नहीं था कि ये व्यक्ति काम कर सकेगा। बहुत देखने में भोला भाला लगता है। फिर भी उन्होंने बताया कि साहब मुझे 2 महीने दीजिए, मैं एक गाड़ी तो जरूर भेज दूंगा। और ये निश्चय किया कि हर घर में पतंजलि का उत्पाद पहुंचाना है। और दोनों भाई सुबह 2 गाड़ियां खरीदी है स्वामी जी महाराज, और लोग खुद उठाते हैं गाड़ी, बैग उठाते हैं, पहुंचा देते हैं। मतलब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सेवा में लगे रहते हैं। क्या और दोनों भाई खुद लगे रहते हैं। जैसे उसने प्रकाश ने तो कितनी गाड़ियां ले रखी थी? 5 गाड़ी। 5 गाड़ी। और इनको टेक्निकल जानकारी ज्यादा नहीं है। ये बोलते कि बाबा का पशुहार है, बस आप इसको वापरिए और लोग वापर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ज्यादा बोल भी नहीं पाते। इसमें कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितने मिनरल है, कितने विटामिन है, इसको ज्यादा अब तो पता लग गया। पहले ज्यादा पता नहीं था, पहले इतना ही बोलता था, भाई बाबा जी ने बनवाया है, बढ़िया बनवाया है। इनके ऊपर कैसे 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 करते थे प्रचार? हाँ सर जी, हम 96 में पाकिस्तान छोड़ के आए थे। बहुत गरीब परिवार के थे और हमारे पिताजी और दादाजी गीता का पाठ, रामायण का पाठ, भागवत का पाठ करते थे। और हम भी सुबह उठ के गीता भागवत करते हैं और शाम को रामायण करते हैं और शुद्ध भावना करते हैं। नशा पता हमारे घर में चाय तक भी नहीं है। चाय पत्ती भी नहीं है? हाँ। कोई नशा पता नहीं सर। हमारे 5 भाई है, 5वां भाई बेरोजगार थे। जब 96 में आए तो 40 रुपये आदमी में काम करता था, कमठे पे जाता था। और उसके बाद मेरे को थोड़ा लैन मिल के जालौर चला गया। जालौर में वहाँ मजूरी की। फिर सर मैं झूठ नहीं बोला, ठेकेदार डारों के साथ में चला गया, उसका साथ मैंने मजूरी की। उसके बाद 3 में जेल में रह गए, कोई कांड हो गया उसमें दारू में जेल में फंस गए। दारू वाले ने फंसा दिया। हाँ, अब दारू वाला गलत काम करे फंस गया कान सिंह। हाँ सर, दारू पी नहीं, बीड़ी पी नहीं कभी। वो दारू वाले के यहाँ नौकरी मजदूरी करता था। हाँ, मजदूरी। वो मजदूरी करने के चक्कर में गलत आदमी के कहते ना, पहले की दलाली में हाथ काले। वो दारूडा गलती कर भोग गया। यो 3 साल तक जेल में रह गए। कितने दिन? 3 महीने तक जेल में रहा। 3 महीने जेल में रहना पड़ा बेचारे को। और गलती उसने उसकी बदमाश की, दारू वाले की, दारू वाले की बदमाश थी। उसके बाद सर मैंने किराने का दुकान खोला। धीरे धीरे हुआ। फिर दिलीप जी के पास पे बाड़मेर की तहसील पहले थी, उसने 2 बार हमारे को गाड़ी दी। तीसरी बार बिल्कुल मैंने कर दिया कि हम आपको गाड़ी देंगे नहीं, माल बिल्कुल नहीं देंगे। तब हम जालौर में मीटिंग थी, उस टाइम मेरा छोटा भाई गया सूरज जी से पास मिला। उसके बाद मैं पालनपुर गया, सूरज जी से मिला, उसने हमारे को चौटन तहसील दी। उसके चौटन तहसील में माल तो हम बाड़मेर बेचते थे, क्योंकि वो बाड़मेर माल देता नहीं था। सूरज जी से पूछा, सूरज जी ने कहा बाड़मेर आप बेच दो। उसने बिल्कुल माल बेचना बंद कर दिया। फिर सर ने हमारे को बाड़मेर की तहसील दे दी। और फिर हमने बहुत मेहनत की। उस टाइम हमारे 15,000 में एक टेम्पो लिया था, जिसका कागज वगैरह कुछ नहीं था, टायर ही था। उस 15,000 में मैंने घर घर पे पंतली पहुंचाया और कुछ नहीं मिलता था। वो जो मजूरी 2-3-4 रुपये मिलते वो ही मिलता था। ऐसे करते 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 अब हम लेन पे आ गए। अब 15-20 लाख रुपये हमारी वो इसमें इनकमिंग लगी हुई है। वो सब पैसे घर के हो गए। अब और इनके परिवार पर स्वामी जी महाराज पाकिस्तान में इतने अत्याचार हुए, भाग के आ गए। नरकवास भले हो देवताता, उसके पिताजी को भी मैं मिला। हम पाकिस्तान में थे, रात को नींद नहीं करते थे, जागते थे। परिवार एक परिवार का आदमी जगह पे ऊपर सोते थे और एक आदमी जगते थे। कहीं कई टाइम चोरी हो जाती। उस टाइम हमने देखा जी पाकिस्तान में रहना बेकार है, तब हम पाकिस्तान से चले आए, हिंदुस्तान में आ गए थे। क्या बात है, इतना कष्ट से लड़का देखो है। और अब जो है ये, अब इसके पास पूंजी नहीं। शुरू में तो बेचारा थोड़ा थोड़ा करके मंगाता होगा। शुरू में तो पूंजी नहीं थी तेरे पास में, तो कैसे करता था? सर पूंजी नहीं थी, फिर बहनों से कुछ लिया, 2.5 लाख पहले किया, वो मांग मांग के किया था। पहले 2.5 लाख मांग मांग के कोई बहनों से लिया, कोई रिश्तेदार से लिया। हाँ, अभी तेरे को यदि पूरा पशुहार मिल जाए तो कितना बेच सकता है? मैं पशुहार अब मेरे पास अब पिकअप गाड़ी उसमें 70 कट्टा सुबह भरते हैं। 70 कट्टा सुबह भरे भरते हैं। तो लगा रहता है तो ठीक है। तेरे को अब कितनी गाड़ी लगा रखी है? सर गाड़ी तो बहुत आ रही है। कितनी गाड़ी लगा रखी है घुमाने के लिए? 2 गाड़ी है सर, एक टेम्पो एक पिकअप। अभी लिए 2 गाड़ी। एक पिकअप खुद का ही ले लिया? 9 तारीख के लिए सर। ठीक है, अभी एक पिकअप खुद का लिया है। अभी बेचारा इतनी मुसीबत से आया है, तो अब तू एक पिकअप और ले ले। और सर कुछ रोटेशन चलने चाहिए,
तो एक पिकअप और ले ले, उसका पैसा मैं दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि बाबा रोटेशन चले तो ले ले। अब तेरे, अब जय इसको क्यों दे रहे हम? ये लड़का मेहनत की है इसने, अब ये कहीं भीख तो नहीं मांगा, इसने कहीं सिर तो नीचा नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया है? तो चल, अब पहले वाले को तो हम, वो समर्थ आदमी है, लेकिन तेरे को एक पिकअप बाबा जी की तरफ दान में कर तो काम है? अब ये भोला सा आदमी, इसको देख के ही नहीं लगे कि ये इतना बड़ा काम कर ले। भोले आदमी के ऊपर भाई और कोई कृपा करे या ना करे, भाई बाबा जी भी भोले हैं, हम भी भोले हैं भाई, हमको चालाक थोड़ी है भाई। ठीक है, भगवान ने हम थोड़ी पढ़ लिख ली तो हमको बोलना आता है, हमको देश दुनिया का पता है। अब ये गांव का आदमी तो भाई जो है इसका, देखो एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने मन में कोई लालच मत लाना कि तुम भी कान सिंह की तरह काम करोगे तो बाबा पी का दान में देगा। ये तो इसने, इसको इसको देख करके कि ये लड़का देखो अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना ईमान नहीं छोड़ा, और मेहनत करके इसने कहा कि मुझे मेहनत करके, और मेहनत में भी पहले बेचारे को कुछ काम ही नहीं मिला, तो दारू वाले के यहां काम मिल गया तो वो भी किया, तो फिर बेचारे को सजा 3 महीने की, कोई जुल्म थोड़ी किया था इसने। अब कौन गरीब आदमी की, कौन से पुलिस दे दंडे, पुलिस वाले भीतर कर दे, कौन पूछे? गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता। इस बेचारे इतना कष्ट सह करके भी ये लड़का हिम्मत नहीं आ रहा, इसलिए इसको ये अतिरिक्त कृपा है। तो आप लोग भी काम करें, माने एक प्रोत्साहन की बात है, ठीक है ना? ऐसे तो ये कान सिंह ने तो जोरदार काम कर दिया भैया, रामायण महाभारत का पाठ करा रो, मेहनत करा। खाली रामायण महाभारत पढ़ने से बात नहीं बनेगी, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, तो गीता में पढ़ोगे तो यही लिखा ना, काम कर मेहनत कर, है ना? तो वो गीता भी पढ़ता है और गीता में जो लिखा हुआ है वो करता भी है। तो ये तो हो गए हमारे भाई कान सिंह जी, प्रकाश जी, बहादुर जी की मैंने बात की। बीकानेर में हमारा भाई बहुत जोरदार काम कर रहा है, हैं धीरज, उसका भी पूछते हैं कैसे काम किया इसने, तो अभी ये भी लगता है ये भी कार्यकर्ता ही है, बहुत सेवक है। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। मैं स्वामी जी के आदर्शों पे चलकर अपने जीवन को जीना चाहता हूं और कोशिश भी कर रहा हूं। 2012 में आंदोलन में स्वामी जी ने जो राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया था, उस संकल्प से मैं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, और मेरे मन में भी एक जुनून था कि मैं जैसे भी हो स्वामी जी के प्रोडक्ट बेचूं। तो ये एक थोड़ा सा समय लगेगा, मैं बाबा जी के चमनप्राश को MRP रेट पे, मतलब चिकित्सालय से लेकर आता था बीकानेर से, और अपने गांव में किराने की दुकान पे MRP पे वापस बेचता था, और बिक्री वहाँ पर बिक्री प्रति महीने के हिसाब से मैं 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में, मतलब सेल के अनुसार। क्या बात। फिर धीरे धीरे स्वदेशी केंद्र खुला, स्वदेशी केंद्र में धीरे धीरे मुझे सम्मान मिलने लग गया, और ये जो पतंजलि का अपना दुग्धामृत और पशुवार जो केंद्र है, ये तहसील स्तर पे, मेरी जो तहसील थी पहले एक छोटे गांव में था, मैं वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब तहसील पे अपने वितरण मिलता है, तो गढ़साना तहसील पड़ती थी मेरे 365 RD के पास में, तो गढ़साना के जो तहसील वितरक थे वो मुझे मात्र 20 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से देते थे, वही मेरे 20 रुपये मतलब वहाँ से लाने के मेरे किराए पड़ जाता था। लेकिन मेरे मन में एक जुनून था कि हम शुद्ध आइटम बेचेंगे, बाबा जी के प्रोडक्शन बेचेंगे। ये धीरे धीरे मुझे पता चला कि कैसे इसकी डीलरशिप लेनी है, और एक बार शिवराजी सर से मुलाकात हो गई, इन्होंने बहुत बड़ी कृपा की, इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। उसके बाद में मैं खाजवाला में, खाजवाला बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर मैंने अलग से इसका काम करने का सोचा। तो पहले इसकी तैयारी की, जैसे गुरुजी ने भी कहा कि आप तैयार करो, तो तैयारी करी, पहले 30 दिन तक लगातार प्रत्येक गांव और ढाणियों में जाकर पंपलेट बनाकर कि हमारी खाजवाला में सोसाइटी के सामने दुकान खुलने वाली है, आप सभी आना बाबा जी के सारे सामान की, इसमें खास होगा पतंजलि का पशुहार और पशु चिकित्सालय के जितने भी उपलब्ध हैं जो सामान वो सारे, तो फूड अपने वो भी हैं, पतंजलि के भी प्रोडक्ट हैं वहाँ। हाँ सर, FMCG के अभी टोटल आइटम रखता हूँ मैं, बीकानेर से डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आता हूँ। क्या बात है। और तो जब मुहूर्त हुआ, दुकान का ओपनिंग हुई, उद्घाटन हुआ, तब हमारे आदरणीय सर शिवराज जी सर
और डॉक्टर साहब और विकास जी सर ने वहाँ खूब मेरी मतलब सहयोग किया, वहाँ पर आए और पहले दिन जो रिकॉर्ड बिक्री हुई उसके पीछे जो मूल कारण था ये था कि पहले से प्रचार होना और किसानों में जागरूकता आनी। और अभी मेरी 20 से 25 लाख रुपए बिक्री है और मेरी इच्छा है कि मैं पतंजलि का इस कारोबार को और इस सेवा भाव को इतना आगे ले जाऊं कि मेरे पे स्वामी जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। और एफएमसीजी के बारे में मैं, उसमें कितनी सेल हो जाती है एफएमसीजी में? एफएमसीजी के सर 5 से 7 लाख रुपए। तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर उससे नहीं मिलता एसडी से? नहीं सर, मिल नहीं रहा है वहाँ। तो अभी तेरे को आज जो है वो पतंजलि के भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तेरे को दे देते हैं, तो वहीं कर, तेरे को डायरेक्ट माल मिलेगा। 5 लाख रुपए का एक ऑर्डर हो जाता तो डायरेक्ट ले सकता है ना। इन्होंने इनका एक मतलब इतनी अच्छी शुरुआत होने का एक कारण भी है कि समाज में अगर आपकी प्रतिष्ठा है, आपके प्रति अच्छा एक भाव है, तो उसका परिणाम देखिए कि पहले ही दिन जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लाख रुपए की बिक्री, एक प्रोडक्ट नहीं बचा। ये पतंजलि पशु दुग्धामृत उत्पाद में पहली बार हुआ है। इसका कारण ये था कि उन्होंने एक मंदिर की निर्माण मंदिर का निर्माण किया। श्याम बाबा जी के विशेष भक्त है और स्वामी जी महाराज उस सेवा भाव से लोग बहुत बड़े उनसे प्रसन्न है। आपकी इज्जत है, आपका कैरेक्टर है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, आप पर भरोसा है। देखो पतंजलि का भरोसा तो है ही है और आपका भी यदि समाज में भरोसा है तो इज्जत चरित्र उसकी पूजा होती है। लोग कहते हैं भाई बिना बेईमानी किए बिना धोखाधड़ी के आदमी बड़ा नहीं बनता। हम तो आपके सामने बैठे हैं कि जिंदगी में एक पैसे की धोखाधड़ी नहीं की, बेईमानी नहीं की, कोई ऊंच नीच नहीं किया, बल्कि हमेशा ढोंग आडंबर पाखंड अन्याय अधर्म के खिलाफ खड़े रहे। ये लड़का है छोटा सा, छोटे से गांव का लड़का है। मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे मन में एक संकल्प है कि मैं भी एक चिकित्सालय अपने गांव में पशुओं के लिए खोलूं और पर्याप्त जगह भी है। 5 बीघा जमीन एक दानवीर ने दे रखी है। मैं वहां पर सुबह 4 बजे से जाकर वहां पर और गौ माता की सेवा करने के लिए नित्य जाता हूं। तो उसके बाद में भावना होनी चाहिए। श्याम के मंदिर की सेवा भी मेरा परिवार ही संभालता है, वो निष्काम भाव से हम सेवा करते हैं। तो उस चिकित्सालय के लिए स्वामी जी से मैं उसमें आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि छोटा गांव है वो और वहाँ पर जो पशुओं की जो दशा है, गौ माता की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। शिवराजी सर को भी मैंने अनुरोध किया था कि यदि ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ा कल्याणकारी काम होगा ये। चलो बीकानेर में बहुत अच्छा भाई काम कर रहा है, तो जो भी काम करेगा तेरे को पूरा आशीर्वाद रहेगा हर काम में। ऐसे एक भाइयों को तो काम करने वाला आदमी होना चाहिए। हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई धीरज के लिए। ऐसे मोटी सी छोटी है, अब गाय की सेवा करने वाले की छोटी तो होनी चाहिए। जिनकी छोटी नहीं अगली बार रखवा लेना। पहले तो गर्दन कट जाती थी, चोटी नहीं कटी और जनेऊ नहीं हटी। और एक संकल्प के तहत पैर में मतलब ऐसे ही रहते हैं हमेशा स्वामी जी महाराज, कब चप्पल या बूट नहीं पहनते, जूते चप्पल ही नहीं पहनता। कि गौ माता जब तक उसके हत्या बंद नहीं होगी तब तक जूते चप्पल पहनूंगा ही नहीं। उसको लगा मुझे पहनाने पड़ेंगे गो हत्या पर प्रतिबंध लगवा। आशीर्वाद। अब कुछ लोग ना बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं उत्साह उत्साह में। देखो एक बात याद रखो, कोई भी काम में लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग 10-20 दिन महीने भर तो उछल उछल कर लें फिर बैठ जाओ। बरसाती मेंढक की तरह मत बोलना, बरसात हो तो कुटर 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 निकले बाद में भीतर घुस जाओ, ऐसी नहीं बात बनेगी। लगातार काम करो। और एक बात और समझो, ये जो धीरज वाला जो उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक तो निरंतर पुरुषार्थ, क्या बोला? निरंतर पुरुषार्थ और निरंतर पुरुषार्थ के साथ सेवा, निष्काम सेवा, आपका चरित्र उससे सबल बनता है। और देखो एक बात और इसके साथ में कहना चाहता हूं, किसी भी काम को टुकड़ों टुकड़ों में समझोगे नहीं समझ में आएगा। ये मैं बहुत बड़ा सत्य कह रहा हूं, ये लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी है, ये फैमिली मैनेजमेंट के बारे में भी है, ये बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी है। अब मैं क्या हूं? अब मैं खाली उसमें तो हाथ हूं, मैं खाली जुबान हूं, मैं खाली दिमाग हूं, मैं खाली दिल हूं, सारे काम मैं दिल से करूंगा
तो हार्ट का भट्टा बैठ जाएगा। सारे काम दिल से नहीं हो सकते, सारे काम दिमाग से नहीं हो सकते, सारे काम हाथों से नहीं हो सकते, सारे काम पैरों से नहीं हो सकते। हर एक अंग की अपनी महिमा है। कोई भी चीज को, अपने शरीर को, पिंड को, ब्रह्मांड को, किसी काम को टुकड़ों टुकड़ों में मत समझो। जो पतंजलि ग्रामोद्योग के इस पतंजलि पशु आहार फीड सप्लीमेंट के काम को पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो वो भाई कान सिंह की तरह, भाई बहादुर सिंह की तरह, भाई धीरज और प्रकाश की तरह ऐसा ऐतिहासिक काम करेंगे जितना इन्होंने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे भाइयों के लिए। ये तो चार भाई हमारे, और दो चार को एक निकम जी है स्वामी जी महाराज, महाराष्ट्र से, पुणे से है। क्या नाम है? निकम अलग खुद 250 भैंस खुद की, तभी उसका वो बना रखा, डेयरी बना रखी 250 भैंस की। क्या नाम बताया? पंकज निकम। पंकज निकम, पहले तो उम्र कितनी बेटा आपकी? 33। 33 लगता 25 के करीब का ही है, छोटा सा बड़ा। योगा योगा करता हूँ। योग करता? एक बार जोरदार ताली बजाओ इस पंकज बेटे के लिए। तो पढ़ाई क्या की बेटा? मेरा होटल मैनेजमेंट का डिग्री हुआ है। होटल मैनेजमेंट का डिग्री किया जी। और काम देखो ये पशु धन वाला करने लगा। नहीं तो आजकल ये जो इस उम्र के जो लड़के हैं ना, वो शहरों में और कोई फैंसी काम करना, कोई फैशन डिजाइन में, होटल मैनेजमेंट में जाता तो मुर्गी काटता, बकरे काटता, मैंने उनका मीट परोसना पड़ता। होटल मैनेजमेंट में तो यही सिखाते हैं ना, जो ग्राहक आए दारू पीने वाले को दारू पिलाओ, बकरे खाने वाले को बकरे खिलाओ, गाय खाने वाले को गाय खिलाओ, और उसके पैसे जेब से पैसे झाड़ो। ये लड़का वहां नहीं गया क्योंकि होटल मैनेजमेंट में जाता तो इसकी पैसे तो मिल जाते, आत्मा मर जाती इसकी। तो ये काम करने की कैसे मन में आई बेटा पंकज, पहले तो ये बता, जवान लड़का है। एक दो बातें स्वामी जी महाराज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पूरे देश में मैं हमारे आदरणीय सीओ सर के साथ में गया और लोगों ने भी बताया कि खलचूरी की जो दुकानें रहती थी, खलचूरी की, वहाँ कोई एक कोई लाला जी बैठे हैं, मतलब वो बैग बैग थैले पड़े हैं, मक्खियाँ घूम रही है, मतलब उसका कोई ऐसा आकर्षक स्वरूप नहीं था। देश में पहली बार पतंजलि किसान सेवा केंद्र के माध्यम से अच्छे आउटलेट्स की आउटलेट्स का निर्माण हुआ और लोग बड़े खुशी से आते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और खलचूरी की दुकान पर तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी, कहीं गुड़ पड़ा है, कहीं चोकर पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, लाला जी अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं। और हर हर मीटिंगों में स्वामी जी महाराज एक बड़ा हमारा आकर्षण भी और प्रोत्साहन भी मिला है कि युवा, काफी युवा जो इस व्यवसाय के, मतलब हम उनके पिताजी को पूछते थे कोई दुकान खलचूरी की दुकान पर कि भाई आपका बेटा मिलने के बाद भी कहीं आप भी करना चाहते, तो मैं तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे हर मीटिंगों में काफी युवा इस पतंजलि किसान सेवा केंद्र में जुड़ने के लिए, मतलब एक अभी भी कई युवा तो यहीं बैठे हैं जो 40 से कम उम्र वाले, एक बार हाथ उठाना, ये देखो 50% से ज्यादा तो युवा है, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई इनके लिए। ये तो जवानों का काम है, जवान आदमी खूब भाग दौड़ कर सकता है और जवान इस काम में लगेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पतंजलि वाले काम में तो लोग ये ना, ये आकर्षण वाला काम हो, पतंजलि आयुर्वेद वाला, नेचुरल फूड है, नेचुरल कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारा तड़क भड़क वाला काम है, शहरों पर ज्यादा केंद्रित है। और ये जो काम है ये बहुत बड़ी सेवा है, माने इससे आपका कैरियर तो एक पक्ष है, आपसे इतना ज्यादा भगवान काम कराएंगे कि ये जन्म तो आपका सुधरेगा, आप जितना पुण्य करके जाओगे अगले जन्म में आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी बनोगे, और ये जन्म तो अच्छा होगा ही होगा, माने इतना पुण्य मिलेगा, इतने करोड़ों जीवों की, गौ माता की और तमाम पशुओं की आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। आप देखो प्राणी तो बोलते नहीं, उनके भी दुआएं तो निकलते हैं उनके अंदर से, वो रोते भी हैं, वो प्रसन्न भी होते हैं। आप देखो कई बार बोलते नहीं पशु राजी नहीं है उनमें, जैसे हमारे मलिक साहब बोल रहे थे पशु भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, घर में कोई मौत हो जाती है तो पशुओं की आंखों में आंसू निकलते हैं, उनको सुख दुख का अनुभव होता है, सब जीवों को दिमागी काम है, बाकी सुख दुख तो होता ही है। हाँ बेटा बताओ। मेरा नाम पंकज निकम है, मेरे पिताजी का मैं एक लौता लड़का, मेरे पिताजी के खुद के बार और रेस्टोरेंट का धंधा था, तो मुझे उसी की वजह से होटल मैनेजमेंट पढ़ाई को उन्होंने डाला कि बच्चा अच्छा होगा अपना घर का ही संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई और मैंने वो देखा, वो मुझे पसंद नहीं आया वो चीज़, तो मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। बोले फिर तुझे क्या करना है? मैं बोला मुझे खेती
गाय भैंस बकरी इसमें इंटरेस्ट है। क्या बात है। मैंने मेरा गांव छोड़ के 300 किलोमीटर दूर पुणे में आया और वहां पे मैंने 350 भैंसों का तबेला खरीदा। क्या बात है, खरीद लिया? खरीद लिया, यानी पिताजी से पैसे नहीं लिए मैंने, तब मैंने कर्जा लिया बैंक से, सब लिया और आज 11 साल से मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ। क्या बात। मेरी वाइफ का इंजीनियरिंग का एमए हुआ है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, भारतीय विद्यापीठ लेक्चरर है वो। जी। उसके बाद मैंने 10 साल बहुत कोशिश की कि डेयरी फार्मिंग अच्छे से करेंगे, मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें। तो उसके बाद मैंने देखा कि उसमें काफ़ी कठिनाई आ रही है, तो कठिनाई क्यों आ रही है मैं उसके ऊपर बहुत बहुत सोचा मैंने टेक्निकली, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट हुआ था। मैंने देखा कि अच्छे से खाद खिला के फ़ायदा नहीं हो रहा है, दूध अच्छे से बेच के फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेबर की तकलीफ आ रही है, अलग अलग भैंसों की कीमत बढ़ रही है, तो ये धंधा ऊपर आएगा कैसे। तो अभी मेरे घर की पूंजी लगा लगा के मैं थक गया। मेरे पिताजी के 2-3 करोड़ रुपए डाल दिए उसमें। 2-3 करोड़ रुपए? हाँ, 10 साल में डाल दिया हमने, लेकिन मैंने वो धंधा नहीं छोड़ा। मैंने मेरे को वो करना ही था, जो होगा वो करना ही था। तो अभी जो मालेगांव के जो प्रोडक्शन जिनके पास है अभी, ओमकार फीड्स बोल के, तो हमारे रिश्तेदार है, तो उनसे मेरा परिचय हुआ। तो उन्होंने बोला कि हमने पतंजलि का अभी काम चालू किया है, तुम्हारा डेयरी फार्म है, तुम इसकी तरफ ध्यान दो। तो मैंने उनका प्रोडक्शन का स्टाइल देखा और उसमें जो मटेरियल यूज करते, और मेरे को थोड़ा उसमें का नॉलेज था क्योंकि मेरे को एंजाइम से लेके केमिकल्स ये वो सब उसमें का जानकारी पूरी तरह से थी। तो मैंने जब देखा कि वो उसमें से तेल ही नहीं निकालते, वो जब कॉटन सीड्स में से तेल ही नहीं निकालते, तो मैं वहाँ पे प्रभावित हो गया। मैं बोला ये तो चीज़ जादू है ये चीज़ के लिए। तो फिर बाद में मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप मुझे एक गाड़ी दीजिए। पाटिल साहब से और सोनोने साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो सोनोने साहब ने मुझे बोला कि आप बेच पाएंगे, आपका खुद का डेयरी फार्म है लेकिन आप बेच पाएंगे क्या? तो मैंने बोला आप एक नहीं, आप मेरे को 5 गाड़ी दे दो, अगर नहीं बिकेगी तो मैं मेरी भैंसों को खिला दूंगा, लेकिन आप टेंशन मत लो।